हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस का फिजिक्स क्लास 10th लाइट का पार्ट 3rd। इसमें हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर से कैसे इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ इज इमेज फॉर्म्ड, इमेज बनती कैसे है ना। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मिरर। एक इमेज तब बनती है जब जो लाइट रेज होती हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं, है ना, रिफ्लेक्ट होके। आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्ट होके जब ऑब्जेक्ट से आती हैं तो वो कहीं जाके मिलती हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वो कहीं जाके मिलेंगी। तो जहाँ पर वो जाके मिलती हैं वहाँ पर इमेज बनती है। अब हम बात करते हैं कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड, इमेज कितनी तरह की होती हैं, कितनी तरह की इमेज बनती हैं। सो देर आर टू टाइप ऑफ इमेजेस, दो तरह की इमेज होती हैं। नंबर वन होती है वर्चुअल इमेज और नंबर सेकंड होती है रियल इमेज। अब हम बात करते हैं कि रियल इमेज बनती कैसे, मतलब क्या होती है रियल इमेज। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन एंड इज फॉर्म्ड बाई the rays that actually pass through it. Example, the image formed on a cinema screen. जो इमेज हमको किसी स्क्रीन पे मिल सकती है, यानी कि जिस इमेज को हम स्क्रीन पे पा सकते हैं उसे हम रियल इमेज कहते हैं। अब जो ये रियल इमेज बनती है ये उन रेज से मिलके बनती है जो रेज वाकई वहाँ से होके जाती हैं, यानी कि अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन पे रियल इमेज पड़ेंगी, जब रियल इमेज पड़ेंगी तो वहाँ पे इमेज बनेगी। तो जैसे कि हमारा एग्जांपल है यहाँ पे कि द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन, जैसे सिनेमा हॉल का जो स्क्रीन होता है उस हॉल में उस जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती है, जो पिक्चरें आती हैं वो रियल इमेज होती हैं। अब हम बात करते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन एंड इज फॉर्म्ड बाई द रेज विच सीम टू कम फ्रॉम इट बट डू नॉट एक्चुअली पास थ्रू इट। एग्जाम्पल द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। वो इमेज जिसको हम किसी स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं कि एक वर्चुअल इमेज है। और वर्चुअल इमेज जो बनती है उन रेज से बनती है जो हमें लगता है कि ये किसी एक पॉइंट से होके आ रही हैं बट एक्चुअल में आती नहीं है वहाँ से। और ये जो रेज होती हैं ये वहाँ से गुजरती भी नहीं, उस पॉइंट से गुजरती नहीं है जिस पॉइंट पे इमेज बनी हुई है, वहाँ से होके नहीं गुजरती हैं सकते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एन ऑब्जेक्ट गिव्स आउट अ लार्ज नंबर ऑफ रेज इन ऑल द डायरेक्शंस बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी टेक ओनली टू रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट होता है इससे बहुत सारी रेज निकलती हैं चारों दिशाओं में, है ना, लेकिन हम केवल टू ही रेज को लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। हम केवल दो रेज, क्योंकि हमें डायग्राम बनाना होता है तो इसलिए हम केवल टू रेज दिखाते हैं। वैसे इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलती हैं। नेक्स्ट है द रियल रेज ऑफ लाइट आर रिप्रेजेंटेड बाई फुल लाइन्स वेयर एज द वर्चुअल रेज आर डॉट आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉटेड लाइन्स। जो रियल रेज होती हैं उनको हम एक फुल लाइन से, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है जो रेड कलर की है ये एक रियल रे है, और जो डॉटेड डॉटेड करके रे होगी उसको हम वर्चुअल रे कहेंगे। यानी कि वर्चुअल रे अगर हमने दिखानी है तो हम डॉटेड डॉटेड जो रे है उससे दिखाएंगे। द रियल रेज ऑफ लाइट कैन एग्जिस्ट ओनली इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जो रियल रेज होती हैं लाइट की वो केवल मिरर के सामने ही होती हैं एग्जिस्ट, यानी कि वो उनका एग्जिस्टेंस मिरर के सामने होता है। मिरर के सामने जो रेज होती हैं वो रियल रेज होती हैं। द वर्चुअल रेज ऑफ लाइट डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। जो वर्चुअल रेज होती हैं वो बिल्कुल भी उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वी जस्ट शो दैम बिहाइंड द मिरर। हम उनको केवल बस दिखाते हैं कि मिरर के पीछे जाएंगी और वहाँ पर जाके मिलेंगी, लेकिन वो एक्चुअल में रेज होती नहीं है। अब हम थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वो एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब होता है कि जैसे हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं उसके ऊपर हम इसे मान लेते हैं कि एक प्लेन है, तो
तो उसी उसी में होंगे तीनों के तीनों। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे आप नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का है, तो इसी तरह से जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से एंगल बना रही है वो भी 30 डिग्री का ही होगा। अब हमने ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यानी कि 50 डिग्री कर दिया है, तो अभी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री हो गया है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। इसमें सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं, अ रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मली और परपेंडिकुलर ऑन अ मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। एक लाइट रे जो मिरर के ऊपर बिल्कुल नॉर्मली पड़ती है, यानी कि बिल्कुल सीधी रेखा में पड़ेगी, या परपेंडिकुलर पड़ती है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि ये मिरर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अगर पड़ती है तो वो उसी वे पे, उसी रास्ते में, उसी पाथ पे दोबारा से लौट के उसी पे वापस आएगी, यानी कि वो कोई एंगल नहीं बनाएगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये होता है जीरो। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट साइज कोई ऑब्जेक्ट लेंगे, और मैंने यहाँ पे एक फुटबॉल रख दी है, थोड़ी बड़ी साइज की रख दी है। तो सबसे पहले जो फुटबॉल से एक रे आ रही है, कोई एंगल बनाते हुए रे मिरर से टकराती है, और उसके बाद वो मिरर से टकराने के बाद फिर सेम एंगल बनाएगी नॉर्मल से और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज़ में पड़ेगी। सेम इसी तरह से हमने सेकंड रे बनाई है, जो सेकंड रे आ रही है वो ये इंसिडेंट रे जो सेकंड रे है वो भी रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों में जाएगी। अब अगर हम ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं अगर हम इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये किसी पॉइंट पे जाके मिलेंगी, उस पॉइंट पे जाके फुटबॉल की इमेज बन जाएगी, और ये कहाँ बनेगी, ये मिरर के जस्ट पीछे बनेगी। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। एक एक्सटेंडेड जो ऑब्जेक्ट है उसको हम इस तरह से मान सकते हैं कि वो छोटे छोटे पॉइंटों का बहुत बड़ा ग्रुप है। एक्सटेंडेड का मीनिंग होता है कि कोई बड़ा सा लार्जर जो इमेज हमने ले ली, जैसे अभी हमने छोटा सा लिया था, अब हमने एक ट्री ले लिया है, एक ट्री है, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो हमने इमेज रख दी है मिरर के सामने, यानी कि जो ट्री है वो मिरर के सामने है, और इस ट्री से एक रे निकल रही है जो मिरर के ऊपर टकरा रही है, तो ये परपेंडिकुलर जाके टकराती है। और अभी हमने बताया था कि जो रे परपेंडिकुलर जाके टकराती है मिरर से, उसी वे पे वो वापस आ जाती है। तो ये रे आपको देख रहे होंगे कि जिस रास्ते जा रही है उसी रास्ते से वापस आ जा रही है। अब जो सेकंड रे है ये कोई एंगल बनाते हुए मिरर से कोई एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरह से हम जस्ट इसके जो बॉटम है, ट्री का जो बॉटम है, वहाँ से एक रे सीधी परपेंडिकुलर खींचेंगे, और सेकंड रे जो खींचेंगे वो कोई एंगल बनाते हुए खींचेंगे, जो एंगल बनाते हुए खींचेंगे तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर कोई एंगल बना के निकलेगी इधर से। अब हम जब इन जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, तो ये दो जो एक तो रेड वाली है एंड दूसरी ये जो आपको दिख रही है स्काई ब्लू टाइप की कलर की, ये इन दोनों को जब हम बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं तो ये पीछे जाके कहीं पे मिलती हुई हमको दिखाई देती हैं। एक्चुअल में मिलती नहीं है लेकिन कहीं दिखाई दे रही हैं कि कहीं जाके मिलेंगी, तो वहाँ पे ट्री का टॉप बन जाएगा, और ऐसी नीचे जो बॉटम है वहाँ से भी दो रेज हम बैकवर्ड की तरफ उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो भी जाके कहीं पे मिल जाएंगी, वहाँ पे ट्री का बॉटम की इमेज बन जाएगी। इस तरह से पूरा ट्री इस साइड का मिरर के बैक साइड में उसकी एक इमेज बन जाएगी, और इसी तरह से जो है हर चीज़ की इमेज
मिरर के बैकवर्ड साइड में जाके बनती है। नेचर ऑफ द इमेज को समझेंगे कि इसका नेचर कैसा है। द इमेज इज वर्चुअल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। तो जो इमेज ये प्लेन मिरर से बनती है ये वर्चुअल होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं आभासी होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि इसको हम कहीं किसी स्क्रीन पे नहीं डाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट है द इमेज इज इरेक्ट। एक तो जो इमेज होती है बिल्कुल सीधी खड़ी रहती है, दैट मीन्स इट इज़ द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट खड़ा रहेगा सीधे ऐसे, इसी तरह से इसकी जो इमेज है वो भी सीधी खड़ी हुई आपको ऊपर की तरफ दिखेगी। साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वही साइज जो है इमेज का भी बनता है, यानी कि साइज में कोई चेंज नहीं होता है। पोजिशन ऑफ द इमेज, अब जैसे पोजिशन कैसे कितनी दूरी पर होता है इमेज। द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द प्लेन एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो इमेज होती है वो मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है, यानी कि मिरर के जो बैक साइड में उतनी ही दूरी पर बनेगी जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पर जैसे ये कार्टून में दिखाया है हमने कि अगर ये मिरर से 1 मीटर की दूरी पर है तो इसका जो बैक साइड में, मिरर के बैक साइड में जो इमेज बनेगी उसकी भी दूरी मिरर से 1 मीटर की होगी। जैसे कि यहाँ पे कैंडल है तो कैंडल जितना दूर मिरर से होगा उतनी दूर उसकी इमेज बन रही है। अब हम बात कर लेते हैं लेटरल इन्वर्जन। ये लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? देखो लेटरल का मीनिंग आपने शायद मैथ्स में भी देखा होगा, जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है। लेटरल का मीनिंग होता है साइड, साइड वाइज। इसमें ऐसा होता है कि जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो अगर हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर में हमें दिखेगा कि हम अपना लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं। अगर हम इधर से लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो उधर से दिखेगा कि हम अपना राइट हैंड उठा रहे हैं। जैसे कि ये कार्टून है तो यहाँ पे इसमें अगर अपना राइट हैंड उठा रखा है तो इसकी जो इमेज है उसमें जो है इसका लेफ्ट हैंड उठता हुआ आपको दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं जैसे एम्बुलेंस, आपने देखी होगी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस के सामने जो लिखा रहता है एम्बुलेंस वो हमेशा उल्टा लिखा रहता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई गाड़ी के शीशे में देखता है उसको, जैसे कार का एक शीशा है तो कार के शीशे में अगर एम्बुलेंस दिख रही है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल सीधी बनेगी, यानी कि जो एम्बुलेंस लिखा हुआ उसमें उल्टा वो शीशे में आके बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, तो हमें पता लग जाएगा कि ये एम्बुलेंस है। और अगर वहाँ पे हम सीधा लिख देते तो फिर वो मिरर में जो दिखती वो उल्टी दिखती। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस वीडियो में हमने केवल आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया कि प्लेन मिरर की इमेज कैसे बनती है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसके ऊपर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।